बजाज पल्सर 125F के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि भाई आपको बजाज की पल्सर 125F जो है ये आपको मिलने वाली है। और इंडिया में भाई जो है 125cc की जो डिमांड है, जो सेल है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और भाई ये गाड़ी तो आपको इंडिया में डेफिनेटली मिलने ही वाली है। अभी आपको इंडिया में जो है बजाज की पल्सर 125 नियॉन और बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट और आपको बजाज पल्सर 125 NS मिल जाती है, जो कि भाई ये तीनों गाड़ियां इंडिया में बजाज की बहुत अच्छी सेल फिगर पा रही हैं। और बजाज की भाई इंडिया की नंबर वन बाइक जो है स्पोर्ट पल्सर ही है, जो कि भाई ये पहली बाइक थी इंडिया की जो कि आपको स्पोर्ट बाइक के नाम से इंडिया में मिली थी। तो अब जो है बजाज अपने 125 वाले इंजन को फिर से रीयूज करने वाला है 125F में, जो कि भाई गाड़ी का जो डिजाइन होगा, जो गाड़ी की फेयरिंग होगी, वो आपको सेम टू सेम 220F के जैसी ही मिल जाएगी। गाड़ी के भाई लुक में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाले हैं। गाड़ी आपको जो है हाफ फेयरिंग के साथ मिल जाएगी, जैसा आपको मिलता है 220F में। लेकिन बजाज जो है गाड़ी में थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करेगा 125F में, ताकि वो गाड़ी जो है कम से कम प्राइस के अंदर लॉन्च हो पाए। क्योंकि भाई 220 का जो टायर का साइज है, जो ब्रेक का सिस्टम है, उसमें आपको मिलता है ABS, गाड़ी की जो लाइटिंग है वो सब काफी महंगी है। तो वो सारी चीजें आपको बजाज पल्सर 125F में नहीं मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं भाई आपको गाड़ी में जो है कैसे पार्ट मिलने वाले हैं, गाड़ी का जो टायर का साइज होगा, जो गाड़ी का फॉर्क होगा, वो आपको कैसा मिलेगा, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो भाई आपको बजाज की जो पल्सर 125F आपको मिलेगी, इसमें आपको फ्रंट में मिल जाएंगे 80mm के टायर, रियर में भाई आपको मिल जाएंगे 100mm के टायर, जो कि आपको मिलेंगे ट्यूबलेस टायर 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ। भाई जो टायर आपको 125 स्प्लिट सीट और नियॉन मिलता है, वही टायर आपको 125F में मिल जाएगा। इसमें भाई आपको फ्रंट में मिलेगा टेलीस्कोपिक का फॉर्क, लेकिन आपको थोड़ा सा पतला मिलेगा। जो आपको मिलता है 125 में, वही फॉर्क आपको मिलेगा 125F में। रियर में भाई आपको मिल जाएंगे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विथ नाइट्रो शॉक के साथ। गाड़ी में जो है भाई आपको फ्रंट में मिल जाएगी 240mm की डिस्क ब्रेक, जो कि आपको 220 से थोड़ी सी छोटी मिलने वाली है। और भाई रियर में आपको मिल जाएगा ड्रम ब्रेक 130mm का। बजाज भाई आपको इस गाड़ी में जो है ABS नहीं देगा, इसमें आपको मिल जाएगा CBS, जिससे कि गाड़ी आपको कम से कम प्राइस के अंदर मिले। और भाई गाड़ी के जो हैंडल बार्स हैं वो आपको क्लिप ऑन के ही मिलने वाले हैं। गाड़ी की भाई जो सीट है वो भी आपको मिल जाएगी स्प्लिट में। गाड़ी के जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको मिलेंगे स्प्लिट में। और भाई गाड़ी का जो इंजन काउल है वो भी आपको सेम ही मिलने वाला है, जो आपको 125 और 125F में मिलने वाला है वही आपको मिलेगा, जैसा आपको 220F में मिलता है वही आप समझ लो। और भाई गाड़ी का जो कंसोल है वो आपको मिलेगा सेमी डिजिटल, जिसमें कि आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाले हैं। जो कंसोल भाई आपको मिलता है 125 पल्सर में, वही आपको मिलेगा 125F में। लेकिन भाई गाड़ी के जो डायमेंशंस है, जो वेट है, इन सब में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाएगा 220 के मुकाबले और 125 पल्सर के मुकाबले। भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा अलग डायमेंशन वेट की होने वाली है। और भाई गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 124.4cc का मिल जाएगा, जो आपको मिलता है पल्सर 125 में। इसमें भाई आपको एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा और बजाज इसमें आपको F5 नहीं देगा, इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। और भाई गाड़ी की जो पावर फिगर है वो आपको लगभग 12 HP के आसपास की मिलेगी, और इसका भाई जो टॉर्क है वो आपको लगभग 11.8 Nm के आसपास का मिल जाएगा, आपको सेम पावर फिगर मिलेगी। और भाई गाड़ी का जो माइलेज है, जो परफॉर्मेंस है, जो टॉप एंड है, जो सेगमेंट है, भाई कुछ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो फाइनली बात करते हैं बजाज पल्सर 125F के प्राइस के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको लगभग इंडिया में जो है 90,000 से लेकर 93,000 रुपए के आसपास तक का एक्स शोरूम मिल जाएगी। और भाई ये कंफर्म प्राइस नहीं है, भाई ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। बजाज की जो भाई पल्सर 125 स्प्लिट सीट है, ये आपको अभी इंडिया में 80,698 रुपए की एक्स शोरूम मिल जाती है। तो भाई प्राइस आपको लगभग 10,000 से लेके 12,000 तक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको आने वाले 4 से 5 मंथ के बाद देखने को मिल सकती है। तो भाई आप लोग चाहो तो गाड़ी का वेट कर लो। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।